अधिकारियों के द्वारा दुकानदारों के साथ बैठक की गई और इस दौरान दुकानें खोलने के लिए गाइडलाइंस भी दी गई। कोरोना काल के बीच लागू लॉकडाउन के चलते सिरसागंज प्रशासन ने बाजार खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। इससे जनता को जरूरी सामान लेने के लिए दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं सोमवार को जनपद फिरोजाबाद की तहसील सिरसागंज पर SDM नवनीत कुमार गोयल, CO सिरसागंज देवेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल नगर इकाई सिरसागंज के साथ बैठक की। साथ ही बताया कोविड गाइडलाइंस का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सिरसागंज SDM की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के बीच दूध डेयरी खुलने का समय सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा। वहीं किराना सब्जी फल मंडी और खाद बीज की दुकान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी। बताया कि इसके साथ ही दुकानदारों को कोविड गाइडलाइंस का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। दुकान पर सैनिटाइजर के साथ सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। दुकान पर भीड़ मिलने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बैठक में थाना अध्यक्ष सिरसागंज गिरीश चंद्र गौतम, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल नगर सिरसागंज के अध्यक्ष विल्सन गुप्ता, महामंत्री ओमकार वर्मा, भोलू कोषा अध्यक्ष विपिन शिवहरे, युवा अध्यक्ष अमन जैन, राजा युवा महामंत्री गौरव यादव, युवा कोषा अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा, समाजसेवी डॉक्टर गुरुदत्त सिंह, भाजपा नगर अध्यक्ष केशव गुप्ता मौजूद रहे। सूर्य प्रताप सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24।